हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी UPTGT 2021 PHE सॉल्व्ड सीरीज पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक वह सीरीज नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी देख सकते हैं। आपके अपने चैनल PHE ज्ञान में आपका स्वागत है और मैं हूँ PHE ज्ञान, इस रोमांचक सीखने की यात्रा में आपका एक मार्गदर्शक। आज हम 2016 के परीक्षा पेपर के पहले 10 प्रश्नों को केवल 5 मिनट के अंदर हल के साथ सीखेंगे और समझेंगे। हाँ, आपने सही सुना, 10 प्रश्न 5 मिनट। तो क्या आप लोग 5 मिनट में 10 प्रश्न हल करने की इस अनोखी यात्रा के लिए तैयार हैं? यदि हाँ है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि ना है तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें कि आपको किस प्रकार के वीडियो पसंद है। अगली बार मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि वैसे ही वीडियो बनाऊं जैसी आप चाहते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप इन वीडियो से समाधान सीखकर और समझकर इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ही नहीं अन्य सवालों के जवाब भी दे पाएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना खुद को रोजाना 5 मिनट दें और अपने सपनों को साकार करें। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि सेल्फ स्टडी इस दुनिया में सबसे अच्छा अध्ययन है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपनी तरफ से भी कुछ प्रयास करने होंगे। इस वजह से मैं केवल प्रश्नों के लिए ऑडियो दूंगा, समाधान के लिए नहीं। इसलिए आप इसे स्वयं पढ़ें और समझें। तो चलिए फिर पहले भाग से शुरू करते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए समय 10 सेकंड्स मिलेंगे, जिसमें पढ़ने के लिए 5 सेकंड्स और उत्तर देने के लिए 5 सेकंड्स होंगे। ओलंपिक ध्वज के 5 अलग अलग रंगों के 5 अंतःस्थापित छल्ले दर्शाते हैं दुनिया की एकता, मानवों का भाईचारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वैश्वीकरण। इनमें से कौन सा एक कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन। रीढ़ की हड्डी में पार्श्व विचलन को रिक्त स्थान के माध्यम से मापा जाता है। वर्ट्रेब्रोग्राफ, स्कोलियोमीटर, इंफ्रास्कोलियो, गोनियोस्पाइन। मेसोमोर्फी की विशेषता होती है, गर्दन छोटी और मोटी होती है, वसायुक्त ब्रेस्ट के साथ होती है, गर्दन मजबूत और लंबी होती है, गर्दन लंबी और पतली होती है। सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की? हल, थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर। हॉकी मैदान में 23 मीटर क्षेत्र कौन सा है? फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र होता है 6 गज x 20 गज, 6 गज x 18 गज, 18 गज x 44 गज, 20 गज x 6 गज। निम्नलिखित में से क्या अच्छे परीक्षण का मानदंड नहीं है? वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिप्रकता, विश्वसनीयता, वैधता।
कार्डियोवैस्कुलर दक्षता निर्धारित करने के परीक्षण का नाम बताएं। हार्वर्ड टेस्ट, कूपर्स टेस्ट, मार्गरिया स्टेप टेस्ट, बेंच टेस्ट। नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण है लक्ष्यों का निर्धारण, सुविधाएं उपलब्ध कराना, संसाधन जुटाना, लक्षित समूहों की पहचान। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपने आज बहुत सी चीजें सीखी होंगी। आपके लाइक्स, कमेंट्स और सदस्यता मुझे आप लोगों के लिए और अधिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो दिल खोलकर अपनी बातों को कमेंट में लिखें, मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के और वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में।